वेलकम स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक इम्पॉर्टेंट पोएम ओड इंटीमेशन्स ऑफ इमोटैलिटी तो ये एक लिरिकल पोएम है और इसके अलावा जो है तो ये पोएम हाईली फ़िलोसॉफिकल है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डीप मीनिंग है तो इसलिए आपको इस वीडियो को काफ़ी तवज्जो से सुनना पड़ेगा क्योंकि अगर आप तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगे इंटीमेशनस का मतलब है इंडिकेशंस या हिंड देना या किसी चीज़ के बारे में बताना इंटीमेशन ऑफ इमोटैलिटी तो यहाँ पर इस पोइम में जो है तो वर्ड्स वर्थ इमोटेलिटी के बारे में बात करेंगे और चाइल्डहुड के बारे में बात करेंगे तो चलिए इस पोइम को स्टार्ट करते हैं अच्छा तो पोएम स्टार्ट करने से पहले ये जो फर्स्ट थ्री लाइन्स हैं इसे कहते हैं एपिग्राफ अब एपिग्राफ जो है तो जब किसी एक पोइम में किसी दूसरे पोइम से कुछ लाइंस उठा के वो लगा दी जाती हैं उसके स्टार्ट में तो उसे इपेग्राफ कहते हैं तो ये वर्ड्स वर्थ की एक और पोइम है माई हार्ट लिप्स अप तो ये लाइन्स जो हैं तो उससे लिए गए हैं द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ़ मैन एंड आई could विश my डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच by नेचुरल piety द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन तो अगर इसकी इंटरप्रटेशन हम करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको इसकी दो इंटरप्रटेशन बताऊँगा इसकी एक इंटरप्रटेशन तो ये है कि चाइल्ड जो है उसके अंदर जो स्किल्स होती हैं तो जब वो चाइल्ड बड़ा होता है और उससे एक मैच्योर मैन बनता है तो वो स्किल्स भी जो है तो वो और पॉलिश हो जाती हैं वो और मचोर हो जाती है तो इसका एक मतलब तो ये है दूसरा मतलब अगर हम देखें तो वर्ड्स जो थे तो वो प्री एग्जिस्टेंस ऑफ सोल में बिलीव करते थे यानी कि अकॉर्डिंग टू वर्ड्स जो सोल है इंसान की जो रूह है तो ये उसके बोर्न होने से पहले ही क्रिएट होती है और वो हेवन में होती है तो जब चाइल्ड पैदा होता है तो वो सोल जो है तो वो उस बॉडी में आ जाती है इसलिए चाइल्ड के पास जो है तो हेवनली मेमोरीज़ होती हैं तो इसलिए वो कहता है कि द तो चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन और दूसरी लाइन में वो कहते हैं एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बोन ईच टू ईच बाई नेचुरल पार्टी और इन लाइंस में वो बताता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी जो माई डेज यानी कि मेरी जो लाइफ है कि वो नेचर के साथ कनेक्ट हो तो ये इस पोम की फर्स्ट एनजा है और हमने इससे पहले पेग्राफ को पढ़ा देयर वॉज अ टाइम वन मेडोस ग्रूव स्ट्रीम्स मीडोस कहते हैं एक ग्रासी प्लेन को इसे पेस्टर भी कहते हैं जरागा भी कहते हैं ग्रूफ कहते हैं ग्रुप ऑफ ट्रीज एंड स्ट्रीम्स यानी कि नदियाँ रिवर्स द अर्थ एंड एवरी कॉमन साइट टू तो मी इट सीम अपर्ल्ट इन सेलेस्टियल लाइट अपर्ल्ट का मतलब है कवर्ड और सेलेस्टियल लाइट यानी कि हेवनली लाइट तो वर्ड्स वर्त कहते हैं कि एक ऐसा टाइम था, था कि उस टाइम में जो ग्रूफ्स थे जो स्ट्रीम्स थे जो फील्ड्स थे वो सब कुछ जो थे तो वो एक सेलेस्टियल लाइट में वो कवर्ड थे तो वर्ड्स वर्थ पास्ट की बात कर रहे हैं द ग्लोरी एंड फ्रेशनेस ऑफ अ ड्रीम इट इज़ नाउ एज इट हैज बीन ऑफ योर फिर वो कहते हैं कि वो ग्लोरी और जो फ्रेशनेस थी वो अब नहीं है जो पहली थी टर्न वेयर सो एवर आई मे और मैं अब जहाँ भी जाता हूँ बाई नाइट और डे द थिंग्स ई हैव सीन आई नो कैन सी नो मोर फिर कहते हैं कि दिन हो या रात हो मैं जहां भी जाऊं मुझे वो चीजें नजर नहीं आती जो मैंने इससे पहले अपनी चाइल्डहुड में देखी थी द रेमबो कम्स एंड गोस एंड लवली इज द रोज द मून डथ विद्स अराउंड हर वेन दस आर बेयर वाटर ब्यूटिफुल एंड फेयर तो वो कहता है कि रेमबो आता है और जाता है एंड लवली रोज़ और रोज़ जो है तो वो भी लवली है और जो मून है तो वो खुशी से जो है तो वो कभी एक जगह पे होती है कभी दूसरी जगह पे होती है यानी कि जब क्लाउड्स होते हैं आसमान में तो मून कभी कभी हाइड हो जाती है कभी वो नज़र आती है एंड वन हेवन आर बेयर यानी कि जब आसमान साफ़ होता है वाटर ऑन अ स्टार इनाइट यानी जब आसमान साफ होता है तो फिर स्टार्स काफी ज्यादा ब्राइट नजर आते हैं वाटर में उनकी रिफ्लेक्शन होती है आर ब्यूटिफुल एंड फेयर तो वर्ड्स वर्थ उस सीनरी की बात कर रहे हैं कि जब आसमान में बादल नहीं और जो स्टार्स होते हैं वो स्पार्क कर रहे होते हैं और उसकी रिफ्लेक्शन जो है तो वो समंदर में नजर आती है द सन शाइाइन इज अ ग्लोरियस बर्थ और सनशाइन यानी कि जब सन जो है जब सन राइज करता है तो वोड्स वो तो उसे एक ग्लोरियस बर्थ कहने हैं बट येट आई नो वेयर एवर आई गो दैट देयर हैज पास्ट अवे ग्लोरी फ्रॉम द अर्थ और फिर वही उस सेलेस्टियल लाइट के बारे में वो बोल रहे हैं कि जहाँ भी मैं जाता हूँ तो मुझे यह अंदाज़ा होता है कि वो सेलेस्टियल लाइट वो अब नहीं है अर्थ में ना वाइल्ड द बर्ड्स द सिंग अ जॉयस सॉन्ग एंड वाइल्ड द यंग लैम्स बाउंड एज टू द टेबल साउंड और जब बर्ड्स अपने सॉन्ग गाते हैं वो जब अपनी खूबसूरत आवाजें निकालते हैं और जो लैम्स होते हैं बोन टू ईच अदर एस टू द टेबर साउंड बोन का मतलब है कनेक्ट होना और टेबर जो है तो ड्रम को कहते हैं इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है टू मी लेट अलोन देयर केम अ थॉट ऑफ ग्रीफ तो वो कहते हैं कि मुझे गम का एहसास होता है अ थॉट ऑफ ग्रीफ एक ड थाट मुझे आता है आई टाइमली अटर गेव दॉट रिलीफ एंड आई बिगेन एंड आई अगेन आम स्ट्रॉन्ग और फिर वो कहते हैं कि मैं अपने आप को रिलीफ देता हूँ एंड अगेन आई एम स्ट्रॉन्ग और फिर मैं दोबारा स्ट्रोंग हो जाता हूँ द कैटर एक्स ब्लो देर ट्रम्पिट्स फ्राम द स्टीप नो मोर शल ग्रीफ ऑफ माइंड द सीजन नोंग कैटर एक्स बेसिकली वाटरफॉल को कहते हैं तो जब वो वाटर काफी ज्यादा हाइट से गिरता है तो वो एक तरह का साउंड क्रिएट करता है तो वो कहते हैं कि वो ट्रम्पेट की तरह होता है ब्लो देयर ट्रम्पेट्स फ्रॉम द स्टीप नो मोर मोरशल ग्रीफ ऑफ माइंड द सीजन रॉन्ग और फिर वो कहते हैं कि अब मैं जो है तो अब मैं दुखी नहीं होऊंगा क्योंकि अगर मैं दुखी होता हूँ तो इससे सारा जो इन्वायरमेंट है वो भी दुखी हो जाता है आई हियर द इकोस थ्रू द माउंटेन द विंड कम टू मी फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ स्लीफ बेसिकली क्राउड माउंटेन्स को तो वर्ड्स वर्थ कहते हैं कि जब विंड काफी ज्यादा तेज जब विंड होती है तो वो नॉइस भी प्रोड्यूस करते हैं तो वर्ड्स वर्थ कहते हैं कि मैं उस ईको को सुनता हूँ और जो माउंटेन होते हैं काफी ज्यादा माउंटेन की जो क्राउड होते हैं तो वहाँ पर उसकी जो साउंड है वो इको होती है इसके अलावा जो वाटर uh, water, जो वाटरफॉल होता है उसकेटरक्स की साउंड वो भी वहां पर इको होती है द अर्थ इज ए और पूरी जो अर्थ होती है वो खुश होती है लैंड एंड सी गिव अप टू अपलिटी एंड विद द हार्ट ऑफ मे डॉट एवरी बीस्ट कीप होलीडे वो कहते हैं कि लैंड इन सी कि जमीन हो या समंदर हो हर चीज जो है तो वो खुश होती है एंड विद द हार्ट ऑफ मे जो मे का जो मन है डोट एवरी बीस्ट कीप होलीडे और हर एक एनिमल जो है तो वो खुश होता है वो इन्जॉय करता है फिर वो कहते हैं दो चाइल्ड ऑफ जॉय शाउट अराउंड मी लेट मी हेयर दाइ शाउट्स हैप्पी शपट बॉय और यहाँ पर वर्ड्स जो है एक शपड को चाइल्ड ऑफ जॉय बोल रहा है तो अगर आपने नोटिस किया होगा ये जो शेपड है ये काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि ये जो है तो इस मटेरियल वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं और नेचर के करीब होते हैं तो वो हर टाइम खुश होते हैं ये ब्लेस क्रिएचर्स आई हैव हर्ड द कॉल यी टू ईच अदर मेक आई सी द दैवनज लाफ विद यू इन योर जूबिली तो वर्ड्स वर्थ कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ शैपट को ब्लैस क्रिएचर बोलता है और फिर वो कहते हैं कि मैंने तुम लोगों की आवाज़ सुनी कि तुम लोग जब एक दूसरे को बुलाते हो यानी कि जो शेपड़ है वो जब अपने लैम्स को या कैटल जो उसके पास होते हैं जब उसको बुलाता है तो वर्ड्स वर्ग कहते हैं कि आई सी द दैवन लव इन यूर हेवन भी तुम लोगों की खुशी में शामिल होता है माई हार्ट इज एट यूर फेस्टिवल माई हेड हैज इट्स कॉनल वर्ड्स वर्थ कहते हैं कि मैं भी तुम लोगों की खुशी में शामिल हूँ वर्त कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्राउन पहना है क्रोनल बेसिकली क्राउन को कहते हैं जो किंग जो क्राउन पहनता है तो वर्ड वर्ड यहाँ पर अपनी खुशी बता रहा है कि वो कितना खुश है द फुलनेस ऑफ यूर ब्लेस आई फील आई फील इट आल ओ ईवल डे इफ आई वर सलन और फिर कह रहे हैं कि द फुलनेस ऑफ यूर हैप्पीनेस आई फील आई फील इट आल कि मैं तुम लोगों की खुशी को जो है तो वो कम्प्लीटली मैं फील कर रहा हूँ ओ ईवल डे इफ आई वर सलन वाइल द अर्थ हर सेल्फ इज अडोर्निंग फिर वो कह रहे हैं कि इफ़ आई वर यहाँ पर एक इमेजनरी सिचुएशन की बात करें कि अगर मैं गुस्सा होता अगर मैं सैड होता वाइल अर्थ हर सेल्फ इज़ एडर्निंग फिर वो कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ईवल दिन होगा अगर मैं खफा हूँ और मैं सैड हूँ और अर्थ जो है तो वो इस तरह अट्रैक्टिव हो दिस स्वीट मे मॉर्निंग एंड द चिल्ड्रन आर कलिंग कलिंग का मतलब है कलेक्ट करना गैदर करना On every side, in thousand valleys far and wide, thousand valleys. तो अगर इस statement होगा हम देखें thousand valleys तो ये exaggeration है क्योंकि thousand valleys तो impossible है तो इसलिए वो क्या रहे हैं Wordsworth के जो बच्चे हैं वो collect कर रहे हैं हर तरफ thousand तो valleys में flowers को fresh flowers. While the sun shines warm in the bay अप ऑन हिज मदरस आर्म आई हीयर आई हीयर विद जो आई हीयर की जब सनशाइन होता है तो जो बच्चा होता है अपनी माँ की गोद में वो जम करता है वो आवाजें निकालता है तो वर्ड्स वर्थ कहते हैं कि आई हीयर आई हीयर विद जॉय तो वर्ड्स वर्थ कह रहे हैं कि वो मंजर काफी ज्यादा जो है तो वो खुशी का मंजर होता है बट देर इज अ ट्री ऑफ मैनीम स्पीक ऑफ सम यहाँ पर जो है तो एक फील्ड है और उस फील्ड में एक ट्री है तो जब मैं उस ट्री को देखता हूँ तो वो एक कहानी बताती है मुझे यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जो है तो यहाँ पर मिसिंग है द पेंजी पेंजी एक फ्लावर है एट माई फीट डज द सेम टेल और वो भी वही कहानी रिपीट करती है कि कुछ चीज़ जो है तो वो मिसिंग है वेतर द विजनरी ग्लीम और फिर वो सेलेस्टियल लाइट की बात करते हैं कि वो कहाँ पर चली गई है वेयर इट इज़ नाउ और अब वो कहाँ है ग्लोरी एंड द ड्रीम और वो ग्लोरी वो हैप्पीनेस वो कहाँ है यानी कि वो अपने चाइल्डहुड की जो पास्ट मेमोरीज हैं उसको याद कर रहा है आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग द सोल दट राइज इज विद लाइफ स्टार और मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि वर्ड्स विद प्री एग्जिस्टेंस ऑफ सोल की जो फिलासफी है तो वो उसको डिस्कस करें इस पोम में तो इन लाइन में जो है तो हमें उसका प्रूफ मिलता है जो पैदा होना है तो वो बेसिकली एक स्लीप है us, star, setting, कि वो हमारी जो सोल है तो वो किसी और जगह पे जो है तो वो क्रिएट हुए हैं और वो एक काफी दूर जगह से वो आई है नॉट इन द इंटायर फॉरगेटफुलनेस नॉट इन द इंटायर फॉरगेटफुलनेस का मतलब है कि हमारी सोल के साथ जो मेमोरी है तो वो कम्प्लीटली तौर पर वो फॉरगेट नहीं हुई यानी कि कुछ मेमोरीज अभी भी हैं एंड नॉट इन द अटरनेटनेस बट द ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम फ्रॉम गॉड हु इज अवर होम और फिर वो कहता है कि जो मेमोरीज है तो वो एक क्लाउड की तरह जो है हमारे अंदर है फ्राम गॉड हु इज़ अवर होम हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी और फिर वो उन्हीं लाइन्स को जो जो स्टार्ट में जो लाइन्स थी द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन अगर हम उन लाइन्स को देखें और हम इन, इन लाइन्स को उसके साथ कंपेयर करें तो फिर इस लाइन को आप देखें ना हु इज़ आवर होम हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी के जो सोल हमारे बॉडी में आती हैं हेवन से तो उसके अंदर हेवन डी मेमोरीज होती हैं तो इसलिए वो कहते हैं कि heaven lies लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी शेड्स ऑफ house हाउस to टू क्लोज यानी कि क्लोज का मतलब है करीब आना. अपॉन द ग्रोइंग बॉय तो यहाँ पर वर्ड कह रहे हैं कि जब बच्चा होता है तो बच्चा तो फ्री होता है उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, नहीं होती लेकिन जैसे ही वो बच्चा मेच्योर होता है तो उस पर ये दुनिया एक प्रिजन की तरह उसके लिए हो जाती है क्योंकि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं बट ही बी होल्ड्स द लाइट एंड वेन इट फ्लोज ही सीज इट इन जॉय बिहोस का मतलब है देखना यानी कि चाइल्ड जो है तो चाइल्ड उस लाइट को देखता है और जब वो लाइट फ्लो करती है तो वो इसकी खुशी देखता है दूध हुई फर्दर फ्राम दस्ट मस्ट ट्रेवल ये काफ़ी टेक्निकल लाइन हैर्दर फ्राम द ईस्ट मस्ट ट्रेवल का मतलब ये है चाइल्ड ग्रो होता है और वो एक यूथ बन जाता है फिर उस यूथ से जो है तो वो एक ओल्ड मैन बन जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है तो फर्दर फ्राम द ईस्ट यानी कि अगर हम देखें तो सन जो है तो सन ईस्ट में जो है ईस्ट से राइज करता है और फिर वो जो है तो वो टॉप पॉइंट पर पहुँच जाता है फिर वो वेस्ट में जाके वो गरूब हो जाता है वो डिसअपेयर हो जाता है तो इसको जो है इस प्रोसेस को वर्ड्स वर्ड लाइफ के प्रोसेस से कम्पेयर कर रहे हैं स्टिल इज़ नेचर स्प्रीस्ट एंड बाई द विजन स्पलेंडेड इज़ ऑन हिज वे अटेंडेड कि वो यूथ जो है तो वो उस लाइट को जाता हुआ देखता है वो जो स्प्लेंडेड विजन है एट लेंथ द मैन परसीव्स इट डाई अवे और जब वो यूथ जो है वो एक मेच्योर आदमी बन जाता है तो वो जो विजन होती है वो जो हेवनली ग्लोरी उसके पास होती है तो वो ख़त्म हो जाती है एंडफेट इन इनटू द लाइट ऑफ कॉमन डे और जो नॉर्मल लाइट होती है जो सन लाइट होती है वो इसमें मिक्स हो जाती है और वो गायब हो जाती है अर्थ फील्स हर लेप विद प्लेजर्स ऑफ हर ओन यर्निंग्स शी हैज इन हर ओन नेचुरल काइंड इस स्टैंडा में वर्ड्स और अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं अर्थ फिल्स हर लेप विद प्लेजर्स ऑफ हर ओन कि अर्थ जो है तो वो अपने आप को अट्रैक्टिव बनाती है यर्निंग यर्निंग का मतलब है डिज़ायर शी हैज in her own natural kind in even with something of a mother's mind नो अनवर्ती एम यानी कि जो अर्थ है वो अपने आप को मदर बनाती हैं एंड नो अनवर्ती एम द होमली नर्स डज आल शी कैन टू मेक हर फॉस्टर चाइल्ड हर इनमेट मैन के अर्थ की ये डिज़ायर होती है या अर्थ ये ट्राई करती हैं कि वो जो यूथ है वो उसको नर्चर करें और वो इसको एक मिच्योर मैन बनाए यानी कि वर्ड्स वर्थ ये कह रहे हैं इन लाइन्स में कि अर्थ जो है तो अर्थ एक नर्स की तरह है जो कि चाइल्ड को जो है तो वो पालती हैं और उसको मेच्योर मैन बनाती है। अगर हम इस लेंस को इंटरप्रेट करें तो इसका मतलब ये है कि वर्ड्स वर्थ ये कह रहे हैं कि ये अर्थ कोशिश करती हैं कि ये जो है ओनली लाइट है ये इस बच्चे से चली जाए और ये जो है तो एक मेच्योर यूथ बन जाए फॉर गेट द ग्लोरीज ही हैथ नोन एंड द इम्पीरियल बेल्स वन ही केम और ताकि वो भूल जाए जो मेमोरीज तो उसके पास The glories he has known, and that imperial palace whence he came. और वो जो इम्पीरियल पैलेस जो है मेमोरीज उसके पास थी ताकि वो उस जगह को भी भूल जाए